मुसलमान नस्ल चौकसदार में। और यहाँ पे मैं दूसरी बात ये है कि डॉक्टर सोना खान खुजदार का लोकल है ना। दूसरी यहाँ पे एक ही बात ये भी होती है कि बलूचिस्तान के हकूक विफाक हड़प कर रहा है, बलूचिस्तान के हकूक पंजाबी खा रहे हैं, दूसरे जो सूबों से आने वाले लोग हैं वो खा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या डी एच ओ सोना खान साहब का ताल्लुक पंजाब से है, के पी के से है, सूबे सिंध से है, कौन से सूबे से है? नहीं, सोना खान जो है खुजदार का लोकल बंदा है जिसने आप सबके फ्यूचर का सौदा दिया, जिसने आप सब लोगों का मुस्तकबिल दाव पे लगाया, आप लोगों के हकूक उसने हड़प किए। वो अपने खानदान के 20-20 अफराद को भर्ती करता है। दूसरा उसका स्टेटमेंट सामने ये आ गया है कि ठीक है मेरे खानदान का यहाँ पे कोई एक भी वो नहीं है, मान लिया, लेकिन लोगों से पैसे जो उसने लिए हैं उनका प्रूफ है हमारे पास। वो इस बात से कैसे इस बात की तर्दीद कर सकते हैं? और दूसरा मुख्य हैवानात हो झलवान मेडिकल कॉलेज का अगर मामला हो, आप देखें तुर्बत में अगर यहाँ से कोई खुजदार का कोई बंदा चला जाता है, वी आल आर द्रावी बलोच, हम सब लोग द्रावी हैं, बलोच है ना, तुर्बत बलोचिस्तान का एक शहर है, लेकिन वो लोग कतई इस बात की इजाज़त नहीं देते कि खुजदार का कोई बंदा आकर तुर्बत में मुलाजमत करे, क्योंकि उनकी आवाम जो है वो बासमीर है, उनकी आवाम जिंदा है, अपने हकूक छीनना जानती है और अपने हकूक किसी और को नहीं दे सकती। दूसरा यह है कि खुजदार के ये डिफरेंट यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे सिंध के बंदे तैनात हैं, यहाँ पे पंजाब के बंदे तैनात हैं, यहाँ पे दूसरे हमारे जितने भी बलूचिस्तान के अजला हैं, मुख्तलिफ लोग यहाँ पे तैनात हैं, तो क्या खुजदार वालों के मुँह में जुबानी नहीं है? क्या वो अपने हकूक नहीं मांग सकते? क्या वो अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकल सकते? खुजदार के हालात को जानबूझकर दोबारा जो 2012 और 2013 से एक तारीख थी उसी की जानब दोबारा धकेला जा रहा है। मेरे भाइयों, जब तक आप लोग खुद एक आवाज़ नहीं उठाओगे ना अपने हकूक के लिए, अपने अमन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने तहफ़ के लिए, तो यकीनन ये जुल्म, ये ज्यादती इसी तरह होती रहेगी। यहाँ पे जितने भी हमारे दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर करप्शन होती है और जितने लोग उनमें मुलाविस पाए जाते हैं, कश्तियाँ जलाकर जो निकलने वाले लोग होते हैं ना, फिर वो ना अपनी परवाह करते हैं ना किसी और की परवाह करते हैं। लिहाजा मेरी तमाम एंटी करप्शन के जितने भी इदारे हैं, नैब और यहाँ पे जितने भी हमारे डी सी साहब हैं, कमिश्नर